الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أدب أخلاق أو سلوك متعلق إمام مخير رحمه الله مشهور زمان كتاب الأدب المفرد أمر पढ़ रहे हैं और अभी सिला रहमी से मुतालिक जो नबी करीम वसल्लम की तालीमात हैं वहाँ से हमारा और आपका गुज़र हो रहा है इससे पहले सिला रहमी के वनुमान पर गालिबा तीन या चार दर्से हुए हैं और बहुत अहम बातें सिला रहमी क्या है और सिला रहमी करने की फ़दीलत क्या है सिला रहमी ना करने के नुकसान क्या हैं सज़ाएँ क्या हैं ये तमाम चीज़ें मुफसल आ चुकी आज के दरसे में जो बाब हमारे सामने हैं वह है, है बाब वकलोमैया सिलोदर दर रही और रिश्तार्ला रही करने की फ़जीलत ऐसा हमारी ज़िंदगी में बहुत होता है कि कुछ ऐसे ख़राबतदार होते हैं कि वो हमारे साथ जुल्म का मामला करते हैं ऐसे लोगों के साथ ऐसे करारदारों के साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए क्या समाज में जो एक चलन है हम भी उसी चाल पे चल पड़े कैसे लोगों को छोड़ दिया जाए या फिर हमारी शरीयत जो राह हमें दिखलाती है उस राह पे चले समाज की राह अलग है और हमारे दीन दिन इस्लाम की राह एकदम इस मामले में अलग हो चुकी अब इसी राह को सामाजिक राह बनाने की ज़रूरत कला حدثنا न بن इसमाईल قال حدثنا न عيسى بن عبد الرحمن أن تلحه عن عبد الرحمن بن أوسجة عن البراعي رضي الله عنه قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرزت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبه قال أوليستا واحد واحدا قال لا اتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة والمنيحة الوقوف والفأ على ذي الرحم فإن لم تطق ذلك. فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير مرعب بن عازب رضي الله عنه سي روايته فرماته جاء أعرابي يجد هاتي أو كيف قال بوتشها يا نبي الله ألا اللح كنبي अल्मीजन्न मुझे एक ऐसा अमल बताइए या मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझको जन्नत में दाखिल कर दे आप एक चीज़ महसूस करेंगे देखेंगे आ, जो हमारे उस दौर के आराबी सहाबी हमको मिलते हैं उनके सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एकदम ऐसे ही टू द पॉइंट कि जन्नत में जाना है जहन्नम से बचना ऐसा कुछ बताइए शॉर्टकट रास्ता शॉर्टकट रास्ता एक नहीं कई मिसालें आपको मिलेंगी उनके सवाल ऐसे होते थे आ, ये सवाल देखिए क्या है ऐसा अमल बताइए कि मैं जन्नत में चला जाऊँ बस सीधा सीधा तो अल्लाह के नबी सल तो उनकी जो बातें होती थी और आज भी आप देखें जो लोग दुनिया के झमेले में नहीं पढ़ते या ये कह ली दुनिया के सियासत में नहीं पढ़ते उनकी बातें एकदम सीधी सीधी रहती हाँ या तो हाँ नहीं तो नहीं ऐसा नहीं सीधा सीधा बताई तो ये उनका मामला था तो कई इस तरह की मिसालें दिखती हैं कि वो सीधा सवाल जन्नत में जाना है बता दीजिए जहन्नम से बचना है वो रहनुमाई कर दीजिए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमायानकुन अगर से तुमने बहुत मुख्तर बात की लेकिन लक़त आरसमस सवाल बहुत भारी सवाल बहुत बड़ा है अल्लाह के नबी वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले ले जाने वाले आमाल का जिक्र फरमाया कि ये आमाल आपको जन्नत तक तो पहुँचा देंगे क्या है आतम व फुक कर रकबा की जो है जानदार को आज़ाद करो और वफुर्रकबा गर्दन को छोड़ाओ फल अवल से तो उन्होंने पूछ लिया कि ला के नबी क्या ये दोनों चीज़ें एक ही नहीं हैं जानदार को आज़ाद करना और गर्दन को छोड़ाना आपने फरमाया आपने फ़रमाया कि नहीं इदकन नसमति अन तो नानदार को आज़ाद करने का मतलब है कि मुकम्मल तौर से ग़ुलाम को आज़ाद किया जाए और रकबती से मुराद है कि अन अलर रकबा कि गर्दन के आज़ाद यानी ग़ुलाम को आज़ाद कराने में मदद करो एक होता है, मुकम्मल गुलाम ख़रीद के आज़ाद कर दिया गया और दूसरा ये है कि मुकम्मल हमने नहीं ख़रीदा वह ग़ुलाम खुद ही अपने आका से मुकातबत कर चुके थे बात कर चुके थे कि इतनी रकम मैं दूंगा मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए आका राजी तो उनकी मदद कर दिए तो इस तरीके से ये गर्दन आज़ाद करना यहाँ पर जो है गर्दन आज़ा ग़ुलाम को आज़ाद कराने में मदद करना हुआ और से मुराद हुआ जानदार को आजाद करना मुकम्मल तौर से खरीद करके आजाद करना या अपने पास है तो आजाद कर दिया जाए तो दी, दो चीजें बताएं तीसरी चीज वीतलूफ दूध देने वाले जानवर किसी को हदी में देना वलफई चौथा काम रिश्ते नाते को जोड़ना रिश्तेदारों को जोड़ना कितने काम हो गए चार सवाल क्या था उनका ऐसा काम बताइए जो जन्नत में दाखिल कर दे. अल्लाह के नबी ने चार काम बता दिए और फिर फरमाया फ़इलम तोल अगर तुम्हारी इतनी इस्तात नहीं है कि काम आप कर सकें सिला रहमी का काम है या दूसरे तो अम्र बिलरूफ़ युवा मुनकर तो अम्र बिल्मरूफ करें और नहीं अन मुनकर करें भलाई का हुक्म दें बुराई से रोकें खैर की दावत दें शर से बचाने की कोशिश करें फिल्म तो लिख अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो फ़कुफ़लीस निल तो अपनी ज़बान को रोके रखें इसको ना चलाएं खैर की बात बोलनी हो उस वक्त अपनी जबान को छनाए तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने सहाब रसूल के सवाल ऐसे आमार, ऐसे आमल बताइए जो जन्नत में दाखिल कर दें तो अल्लाह के नबी ने इसमें नमाज का नाम नहीं लिया तो रोज़ा का नहीं लिया हज का नहीं लिया जक़ात का नहीं लिया क्यों करने वो तो करना ही करना है वो तो करना ही करना है वो बताने की जरूरत ही नहीं है वो तो यूं ही यूं भी करना है फिर कौन सी चीज जन्नत में दाखिल कर देगी क्या वो नहीं करेंगी हाँ वो भी करेंगी वो भी जन्नत में दाखिल करेंगे ये सहाबी रसूल थे नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं कुछ और बताइए ना कि जिसको करूँ तो मामला आसान हो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये चार काम बता दिए कि जानदार को आज़ाद कर दीजिए गर्दन को छोड़ाइए और इसी तरीके से जो है किसी को दूध देने वाले जानवर हिबा कीजिए ताकि वो फ़ायदा उठाए कोई और चीज़ आप हदिया करते हैं खाने पीने की चीज़ तो खा के ख़त्म हो जाएगा लेकिन जानवर अगर दूध देने वाला है तो ज़्यादा दिनों तक जिसको आप हदिया देंगे वो फ़ायदा उठाएगा तो इससे एक पैगाम ये मिलता है कि हदिया देते वक्त इस बात का अगर हम एहतमाम करें तो और अच्छा हमारा हदिया कहलाएगा जिससे सामने वाला देर तक फ़ायदा उठाए ज़्यादा दिनों तक फ़ायदा उठा सके बाकी एक दिन के लिए भी दे दिए तो हो गया एक दिन के लिए भी दे दिए तो हो गया ऐसी चीज़ हदिया जो हो सकता है उसके इस्तेमाल की ना तो भी हदिया है वो लेकिन ऐसा हदिया जो सामने वाले के इस्तेमाल के काबिल है उसको उसकी ज़रूरत पेश आती है और ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर ले तो ये हदिया ज़्यादा मुफीद होता है तो अल्लाह के नबी उसको जन्नत में दाखिल कराने वाले आमाल में शुमार किया तो जो हमारा बाब है क्या कि जालिम रिश्तेदार के साथ रहमी करने की फ़ज़ीलत अब यहाँ पर क्या है आखिर में कि सिला रहमी करना है जोड़ना है फिर आपने फरमाया कि अगर ये नहीं कर सकते तो अमर बिलमूफ कीजिए नहीं मुनकर कीजिए तो ये भी सिला में भी आता है सिला रहमी रिश्ते नाते को जोड़ना मुलाकातें करना हाल अहवाल लेना उनके दुख दर्द में शरीक होना यह सिला रहमी है और सिला रहमी में ये भी है कि आप जो है उनको खैर की काम की दावत दें और बुराई से उनको रोकें इसका फ़ायदा दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा यहाँ भी हम ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जो दीनदार हो जाए नेक व साले हो जाए और उम्मीद करते हैं कि आखिरत में भी हमारा इनका साथ बना रहेगा हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं जन्नत में जाने की और उनको भी जन्नत में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बड़ा काम ये बड़ा काम है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर इसकी भी ताकत नहीं रखते अब यहाँ से जाहिर हो रहा है कि रिश्तेदार जो है बड़ा खतरनाक है इसकी भी इजाजत नहीं दे रहा है कि आप उनको नसीहत कर सकें वो गाली गुलूज पर आमादा हो जाएंगे मार पीट पर आमादा होंगे इल्ज़ाम तराशी पर आमादा हो जाएंगे उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि छोड़ दीजिए बल्कि कहा कि अपनी जबान को रोक लीजिए उनके गलत बातों का जवाब गलत बात से मत दीजिए सब्र कर लीजिए रिश्ते नाते को जोड़िए आपका ये अमल आपको जन्नत में दाखिल कर देगा यही फजीलत है कि रिश्तेदार अगर पर आमादा है उसके बावजूद हमने सिला रहमी की तो ये हमारा अमल हमें जन्नत में दाखिल करेगा ये फजीलत है बाप से ही मुनासिबत है कि जालिम रिश्तेदार के साथ सिला रहमी करने से इंसान जन्नत में जाएगा तो अब हम दुनियावी तौर पर जब देखते हैं सामाजिक तौर पर देखते हैं तो ये काम बहुत मुश्किल नज़र आता है मैंने इससे पहले भी कई हदीसें गुजरी हैं जो इसमें ये बात रखी है कि ये बातें जो हम इस किताब में पढ़ रहे हैं हदीस के तौर पर पढ़ रहे हैं जब इसको कहते हैं या सुनते हैं तो दोनों बड़ा अच्छा लगता है और फख्र महसूस होता है कि देखिए हमारे दिन में इतनी अहम बात कही गई जोड़ने की बात कही गई है और ऐसा शायद किसी दिन में ना हो बड़े फकरिया अंदाज में लेकिन जब हम अमली मैदान में जाते हैं तो बहुत सारे लोग इस मामले में नाकाम हो जाते हैं क्यों क्योंकि ये कुर्बानी चाहता है अपने अना की कुर्बानी देनी पड़ती है लोगों के कहने सुनने की कुर्बानी देनी पड़ती जो अपने लोग हैं वो हमें पीछे से खींचते रहते हैं कि नहीं उधर मत जाओ ऐसा है उसके बावजूद हमको जाना है क्यों जाना है हमें मजा आता जाने में बोलिए इसके बावजूद उस जालिम रिश्तेदार के हम करीब होना चाहते हैं तो क्या हमें मजा आता उसकी गालियां सुन करके सिर्फ एक मकसद है कि मेरे अल्लाह ने कहा है कि ये जन्नत में पहुंचा सकता है इसके लिए हम जा रहे हैं अब जाहिर से बात है अल्लाह से इस उम्मीद के की वजह से अल्लाह को राजी करने के लिए सब छोड़ छाड़ उनके पीछे पड़े हैं जिसकी जानिब से कोई खैर की उम्मीद दिख नहीं रही है। तो ये मामूली कुर्बानी नहीं है लोगों ने कुर्बानी किसको समझा बकरा करने को ना है कुर्बानी लेकिन उससे बड़ी कुर्बानी ये कि अपने आप को एक ऐसी चीज के लिए अल्लाह की रजा के लिए आमादा करना कि जो कि हमारे न समाज के मुताबिक है न घर वालों के हिमायत हिमायत हासिल है न अपने मिजाज के मुआफिक है उसके बावजूद हम जा रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए तो ये कुर्बानी हमें जन्नत में ले जाएगी तो सिला रहमी ये, ये कुर्बानी चाहती है जब कुर्बानी हम देंगे तो ये इतनी बड़ी फजीलत है कि यही अमल इंसान को जन्नत में पहुँचाएगा इन तो ये फजीलत है तो हमें इस पर अमल करने की ज़रूरत है आ, कोई भी हमारा रिश्तेदार छूटना नहीं चाहिए कैसा भी अच्छे हैं बुरे हैं अमीर हैं गरीब हैं कुछ भी हैं रिश्तेदार हैं तो हमारे सिला रहमी को मुस्तक है और हम किसी को दिखावा के लिए या किसी दुनियावी मफाद के लिए हम ये काम नहीं करते मैंने शायद इससे पहले भी कहा कि अल्लाह रब्बुल रब दुनिया की निगाह में तो ये चीज़ क्या है कि बाहम एक दूसरे के साथ रहना है इसलिए उसको निभाना वो हमारे साथ एहसान किया मैं उसके साथ एहसान कर रहा हूँ हमारी शरीयत ने उसको तो सिला रहमी का नाम ही नहीं दिया हमारी शरीयत तो ये कहती है कि वो तो बदले की भावना है एहसान का बदला एहसान जैसे गुजशतर रवायताब आपने पढ़ा कि उसने हमारे साथ सिला रहमी की मैंने उसके साथ कर दिया इस इसमें कौन सा कमाल है कमाल तो ये है कि जो है दूसरे लोग हमको नहीं जोड़ते फिर भी जोड़ रहे हैं और उनकी जानिब से हासिल होने वाली तकालीफ को हम बर्दाश्त कर रहे हैं अल्लाह की रदा करें जैसे दावत तबलीग का मामला है दावत तबलीग का जवाब देंगे तो लोग खुश होते हैं हमेशा कुछ लोग खुश भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर इम्कान यही होते हैं कि चार बातें सुनने को मिलेंगी अभी उसके बावजूद हम वो काम करते हैं और उसी पर सब्र करने का हक में दिया गया सिला रहमी भी उसी टाइप की चीज़ है इसको अपने अमल से पेश करना रहता है अपने सुलूक से अपने अखलाक से इसको पेश करना रहता है बस अवकात आपको जबान चलाना भी ना पड़े तो दावत तबलीग जैसे है वैसे ये भी लिहाजा एक दाई को सिला रहमी करने वाला भी होना चाहिए और दाई के लिए काम आसान क्यों एक जगह उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है जब दावत का काम वो करता है लोगों की जानिब से हासिल होने वाले परेशानियों को अजियतों को बर्दाश्त करने के मादा रखता है सब्र कर, करने के जो अपने अंदर अहलियत पा लेता है तो उसके लिए सिला रहमी करना भी अब आसान हो जाता है तो इसीलिए इकदाई के लिए सिला रहमी आसान अगर उसने दोनों के मफहम को समझा है तो और मफहम को नहीं समझा है दावत का काम सिर्फ ये समझ लिया कि लोगों के अल्लाह की तरफ बुलाना है सिला रहमी उसको का नहीं समझ पाया है तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे बहुत सारे दुआत हैं जो दावत तो देते हैं लेकिन रिश्तेदारों से उनके ताल्लुक अच्छे नहीं हैं अपने घर वालों से ख़ानदान के लोगों से अच्छे रिश्ते उनके नहीं हैं हाँ है दाई दावत का काम कर रहे हैं इसलिए दाई सिला रहमी ज़रूर करेगा अगर दाई है तो सिला रहमी ज़रूर करेगा और इसकी फजीलत उसको मालूम होगी तो इसके लिए जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देगा मन बन मुन रही जाहली फिलजाह ये बाब है जिसने ज़माने जाहिलियत में सिला रहमी की है और फिर अब इस्लाम कबूल कर लिया है तो क्या जो ज़माने जाहिलियत में उसने सिला रहमी की है उसको उसका उसका सवाब उसके समाराज उसके फ़ायदे बाद में इस्लाम कबूल करने के बाद उसको हासिल होंगे या बतौर नेकी नाम आमाल में वो शामिल होंगे जी हाँ قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام رضي الله عنه اخبره انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاق وتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير حكيم بن حزام الله تعالى عنه هي إسلام قبولك كيه ونوني خودي خبر ديا कि कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कहा यानी पूछा क्या अरअयत उमूरन कुंत अतहन्नत बिहा फिल जाहिलिया अल्लाह के नबी आपका क्या ख्याल है आप क्या कहते हैं उन उमूर के सिलसिले में उन कामों के सिलसिले में कं तो बिहा फिल जाहिलिया जिसके जरिए से ज़मान जाहलीत में मैं इबादत किया करता था या जिसको मैं नेकी समझ के किया करता था अतः बिहा जिसके जरिए से मैं जमाने जाहलीत में नेकी कमाने की कोशिश करता था इबादत किया करता था कौन सी चीज़ें सिला रहमी हो गई व अत और गर्दन आज़ाद करना हो गुलाम आज़ाद करना हो गया व सदिन और सदकारी यानि ये चंद काम थे जमेन जाहलीत में मैं इसे किया करता था नेकी हासिल करने के लिए इबादत के तौर पर कि सिला रहमी करो तो सवाब होता है गुलामों को आज़ाद करो सवाब का काम है सदका कीजिए सवाब का काम है तो मैंने बहुत किए हैं तो इसका कुछ फ़ायदा मुझे मिलने वाला है फाहलीफ़ी है अजरुम तो इसका मुझे कुछ फ़ायदा मिल सकता है क़ाल हकीम खुद ही फरमाते हैं किला रसोल सबी करीम सरमायान तुमने जो पहले नेक काम किए थे उन्हीं के बदौलत इस्लाम लाए उन्ही के बदौलत इस्लाम लाय यानी इसका एक मफूम तो यह हुआ कि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि तुमको हदायत मिल गई अल्लाह आलमीन ने उस नेकी उन नेकियों को कबूल कर लिया तुम्हें तुम्हारी नेकियों को और उसके बदले दुनिया में तुमको बदला दे दिया वो क्या सबसे बड़ी नेमत सबसे बड़ा इनाम क्या मिल गई हिदायत मिल गई और दूसरा ये है कि जो कुछ है वो बाकी रहने वाला है वो ख़त्म नहीं होगा वो तुम्हारे नाम में शामिल होगा आप जानते हैं एक इंसान जब इस्लाम कबूल करता है तो उसकी नेकियां बाकी रहती हैं और उसकी जो बुराइयां रहती हैं जो गुनाह के काम थे वो जो है खत्म हो जाते हैं वो मिटा दिए जाते हैं इबाद के जो लेन देन है ये है वो है इस्लाम कबूल कर लिए हैं उसके बावजूद हुकूकुलआबाद की अदायगी जरूरी है तो पता ये चला कि जमाने जाहिलियत में या ऐसे दौर में जब वो हिदायत से दूर था उस दौर में भी सिला रहमी किया है तो उसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बड़ा इनाम देता है यानी हिदायत मिल जाती है जैसे हकीम हकमज़म नो का मामला हुआ और दूसरा ये कि वह ज़ाय नहीं होते उसके वो नी हैं बड़ी नेकी है वो ज़ाये नहीं होती है और उसकी जो भी फजीलत जो भी समरात जिक्र किए हैं वो इन शह वो हासिल होने वाले हैं तो ये चीज़ सिला आ, वो ने की है या दिगर किया भी कि जमाना जाहलीत में भी किसी ने किया है हिदायत से पहले के दौर में भी किया है तो बाक़ी रहेंगी वो ज़ाय नहीं होंगी मैबू सदरहमी अमशरकीहदयती कि मश्रक रिश्तेदार के साथ सिला रहमी करना और उसे हदियाँ देना قال حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا عبدته, عبدته عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رأى عمر الله تعالى حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك قال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قال إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك عبد الله بن عمر الله عنهما سي رأى عمر رضي الله عنه ترجمة كده رأى عمر جي

और जब तो वफूद आपके पास आए तो उनके इस्तकबाल के अतिरिक्त तो जब आप खड़े हों तो ये पहन लें थोड़ा तो लगे कि हाँ कुछ है ज़ाहरी हाँ यानी एक वो थी तो लाकिन भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या उमर इन्ना मा يلبس هذه ملا خلا قلا इसको वो पहनता है ला खला कला जिसका आखरत में कोई हिस्सा नहीं है, उसके, लिए? उसके लिए आखरत में कोई हिस्सा उसके लिए सुम्मा उहदिया लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्हा हुलालुन उहदिया हदिया दिया गया उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें से चंदे जोड़े चंद जोड़े हदिया किए गए चंद जोड़े हदिया किए गए

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उमर आए फ़काल या رسول الله जी कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्त इलैहि इसको आपने मेरी जानिब भेजा है वक़्त समी तु का कुल तफी हा मा कुल था मैंने आपसे इसके बारे में सुना है जो कुछ भी आपने इसके बारे में कहा है क्या कहा था ये इसको पहनने वाले जाकर तो इसको आपने यहां तक बात कही अब यही जोड़ा मुझको भेजने में पहनूंगा तो क्या मेरे लिए भी मल्ला खला खलाकला में शुबान हो जाऊंगा क्या आखिरत में तो ये खतरनाक चीज हो जाएगी दौड़े दौड़े आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी लम अखदीहा कलित मैंने आपको यह हदिया इसलिए नहीं भेजा कि आप इसको पहने इन नमा अहदई का मैंने आपके जानब इसको भेजा है हदिया दिया है आपको लितबी आहा ताकि आप इसको बेचे। बेचे। बेच बेच डालें पैसा मिल जाए वली तक सूह या किसी को पहना दें किसी को हदिया आप कर दीजिए ऐसे लोगों को जिनके लिए जायज है उमर जोड़े को हदिया कर दिया मिन उम्मी अपने एक ऐसे भाई को जो उनकी माँ की जानिब से था जिसको बोलते हैं अखियाफी भाई माँ जाई भाई कि माँ दोनों एक हैं दोनों की माँ एक है बाप अलग अलग तो एक ऐसे भाई थे आपके जो उनके माजाई भाई थे माँ की जानब से भाई लगते थे और वो मुशरिक थे क्या थे मुशरिक थे तो ये रिश्तेदारी हुई ना हदिया क्यों इसको दिया मुशरिक भाई को यही महल इस है कि अगर हमारे खराबत मुशरिक हैं तो क्या हुआ रहमी उनसे भी की जाएगी मुशरिक होने की वजह से उनको छोड़ा नहीं जा सकता उनसे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता लेन देन बंद नहीं किया जा सकता आना जाना ख़त्म नहीं किया जा सकता ये चीज़ जारी रहेगी उमर बिल्खल ने यह दिया अपने मुशरिक भाई को दिया पता ही चला कि सिला रहमी रखनीक रिश्तेदारों से भी करना है और ये सवाब सिला रहमी का जो है उसकी वजह से भी मिलेगा इससे पहले हम लोगों ने रवायतें पढ़ी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान के तमाम लोगों को जमा किया था ना और एक एक शाख को आपने कहा था नाम लेगी बनी फोला, बनी फोला अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आऊ फिर आखिर में क्या कहा हाँ मेरे और आपके दरमियान एक ताल्लुक है रिश्ते का मैं उसको निभाता रहूंगा मुश्किल है तो क्या हुआ पता चला मुश्किल रिश्तेदार से भी एक ये सिला रहमी निभाई जाएगी बस उन्हीं कामों में हमें उनके साथ शरीक नहीं होना है जिन कामों में अल्लाह की नाफरमानी जिन कामों में अल्लाह की नाफरमानी जहाँ शिरक है वहाँ हम उनके साथ नहीं होंगे जहाँ गुनाह के काम हैं वहाँ हम उनके साथ नहीं होंगे तो इससे पता चला कि मुशरिक भी अगर रिश्तेदार है, तो रहमी करना है ठीक है आइए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जो है मसलक बदल जाने की वजह से मसलक एक ना होने की वजह से हन्फी शाफ़ी मालिकी हमली वगैरह की वजह से एक दूसरे से ताल्लुक़ को ख़त्म कर लिया है लोगों ने या हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भाई खराबत ऐसे ग्रुप में हैं जहां शिरक है कब्र प्रस्ती है विदायत है तो हमारे रिश्तेदार हैं तो ऐसे लोगों से रिश्ता खत्म कर लिया और उन लोगों ने ऐसे लोगों से रिश्ता खत्म कर लिया जो अहले तौहीद हैं, जो शिर्क से बचते हैं जो कब्र प्रस्ती से बचते हैं कब्र प्रस्ती को शिर्क से ताबीर करते हैं ऐसे लोगों से ताल्लुक ख़त्म कर लिया क्यों ये वहाँ भी हो गए ये फलाह हो गए वो फलाह हो गए और हमने भी समझ लिया है कि ये सुन्नी है वही है वहाँ फना फना है आ, सुनने वाले नहीं है कबर पुज्जू इस तरह के अल्फात हम इस्तेमाल करते हैं हमारा ये तरीका या उनका वो तरीका सही नहीं यहाँ एक मुशरिक के साथ रहमी की जा रही है अल्लाह के नबी वसल्लम के इल्म में है खुद के नबी ने मुश्किल रिश्तेदारों के साथ सलाहमी की है तो कम अज कम जो अभी मुसलमान है कितना भी गुमरा तौर पर कलमा गो है वो मुसलमान हैं तो ऐसी सूरत में उनके साथ सिला रहमी होनी चाहिए यह हदीस इस बात का तकादा करती और जो लोग इसके खिलाफ कर रहे हैं चाहे तोहित किताब सुन्नत के अहले हदीतों में कोई हो या फिर जो दूसरे है जो फरीक हैं अहले बद में से हैं उनमें से कोई अगर है कि जो सिर्फ इस बुनियाद पर इसे को ख़त्म कर दे रहा है आना जाना बंद कर दे रहा है दुख दर्द में शरीक नहीं हो रहा है तो दोनों गलत हैं क्यों इस बुनियाद पर कि इस हदीस के खिलाफ दोनों का रास्ता चला जाएगा और एक और चीज़ है कि अगर हम सिला रहमी निभाते रहेंगे तो हमारी दावत की जो का, का जो काम है उसमें हमें मदद मिलेगी ताउन मिलेगा कि हम इस एतबार से उनके करीब हो सकते हैं अपनी बात तो रख सकते हैं और एक आ, सिला रहमी का मतलब तो यही होता है ना कि मतलब हर मौके पर जहाँ हमारी ज़रूरत है अपने आप को हम पेश करें जब एक आदमी देखता है कि ये आ, हमेशा आगे बढ़ के सलाम कर लेते हैं और ये हमारे काम आ जाते हैं और उसके बाद हम जब अपनी दावत को भी पेश करते हैं तो उनको लगता है फिर आखिर वजह क्या है क्यों ना हम इनसे करीब हो जाएं फिर वो गौर करने लगते हैं और वाक इसका बहुत असर पड़ता है कि बाद में नतीजा वो निकलता है जो हम चाह रहे हैं अख्लाक किरदार सिला रहमी के जरिया से हम पेश करते हैं तो इसका पूरा असर दावत पर पड़ता है और फिर वो हमारी दावत पर गौर और कम अज़ कम करने लगते हैं और नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नज़र आता है ये अपनों क्या गैरों में भी चीज़ आई है गैर मुस्लिमों जो एकदम कट्टर थे उन्होंने भी जब देखा कि हमारे साथ बेहतरीन रवैया इख्तियार किया गया है तो हमारे बारे में उनकी राय बदली है तो ये तो रिश्तेदार हैं इनके यहाँ ज्यादा इम्कान है इसला की इस बुनियाद पर इतना कह कर के अलग कर लेने ये फला है उनके करीब नहीं जाऊँगा ये तरीका दुरुस्त नहीं है एक इस रहमी नहीं हो रही क़त रहमी हो रही इसके गुनाह मिलेंगे और दूसरा ये है कि जो है हमारी दावत का काम मुता हो जाएगा अलबत् अगर कोई इतना ख़तरनाक है जो हमारे लिए आजमाइश बन सकता है हमारे अकीदे को मुतासिर कर सकता है हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है तो ऐसी सूरत में हमें मोहतात रहना है हमें मोहतात रहना है फिर उतनी दुरुस्त नहीं होगी लेकिन उमूमन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मामला नहीं होता अल्लाह ख़ैर का मामला फरमाए खैर बारकल्लाहु आफीख अल्लाह ताला हम तमाम को इन इनदीत पर अमल पैरा होने की तौफीक दे और इस नाते को जोड़ने वाला बने सिला रहमी के जो फवायद व समरात हैं आलमीन हम तमाम को आता फरमा आमीन तकबर रबी असलम